हदीसे पाक का मजमून है, जो बच्चा अपने मां बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, अरे खिदमत तो दूर की बात है, मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है, है? हज मकबूल का सवाब। साहबी रसूल ने अर्ज की, हुजूर अगर कोई कोई 100 बार देख ले, मां बाप तो घर में ही है ना, सुबह भी देखे, शाम भी देखे, दोपहर भी देखे और मोहब्बत से देखे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, साहबी ने पूछा, हुजूर व इन नजरा कुल्ला यौमिन मिअता मर्रतिन, कोई शख्स अपने मां बाप को दिन में 100 बार मोहब्बत से देखे? आका फरमाते, नाम अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। अरे जन्नत घर में है, हज मबरूर घर में है, इनकी दुआएं सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, सुनो जाते हो ना इधर उधर दुआएं कराने, ठीक है बुजुर्गों से दुआएं करानी चाहिए, ठीक है हमें लोगों से दुआएं करानी चाहिए, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि दुआएं किसकी कबूल होती हैं? नबी पाक फरमाते हैं कि जो मकबूल दुआएं हैं ना, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिदैन की दुआ। और एक हदीस में सराहत के साथ कि वालिद की दुआ अपने बेटे के हक में अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। बैठ जाओ ना मां बाप के कदमों में, बीमार हूं मां दुआ कर दे, अब्बू दुआ कर दे। अच्छा एक ये पता है क्या है? एक तो ये है कि हम कहें दुआ कर दे, मां बाप बहुत कमाल की चीज है, यकीन करो जिनके हैं उन्हें पता है, और हमें तो याद ही रह गई अब कि जब कहो ना दुआ कर दे, वो दुआ ही करते थे। दुआ के लिए मांगो, और ये नहीं कहते थे मुझे सताता है और दुआ करने आता है, हैं मेरी बात मानता नहीं, और आज दुआ। मां बाप कमाल चीज है, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, गिव एंड टेक नहीं है इधर, ये वन वे ट्रैफिक है, हैं? एक तरफ खताएं खताएं हो, उधर से अताएं होती हैं, बेलॉस प्यार करते हैं अपने बच्चों से। लेकिन मजा पता है क्या है कि मैं ना कहूं अबू दुआ करें, मैं ना कहूं अम्मी दुआ करें, मजा इसमें है कि हम कहें ना और मां बाप हाथ उठाकर दुआ करें। ऐसी खिदमत करो, ऐसी दुआएं लो, ऐसी उनके दिल में जगह बना लो कि वो ना हो, आप अकेले में वो हो, नमाज पढ़ रहे हो, आप कहीं और हो, और वहां जाकर दुआ करें, या अल्लाह मेरे बच्चे को बख्श दे, मेरे बच्चे के रास्ते खोल दे, ए अल्लाह मेरा बच्चा परेशान है, अल्लाह इसकी मदद कर दे, ए अल्लाह मेरे बच्चे पर मेहरबानी कर दे। यकीन करो ये जो दुआ है ना, ये अर्श तक जाती है, ये तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम्हारा तसव्वुर भी ना होगा। कितनी बार ये वाकया सुना है हजरत मूसा अलैहि सलाम वाला, कि एक बार हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह मैं जन्नत में अपना पड़ोसी देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, मूसा पैगाम मिला, फला इलाके का कसाई तेरा पड़ोसी है। हजरत मूसा हैरान में, अल्लाह का नबी पड़ोसी कसाई, ढूंढते ढूंढते पहुंचे, तवील वाकया है, पता चला कि उस गरीब के 2 बूढ़े मां बाप थे, अपने हाथों से निवाले बना बनाकर अपने मां बाप को खिलाता था। हजरत मूसा ने कहा, बेटा ये बताओ तेरी मां तुझे कोई दुआ देती थी, बाप कोई दुआ देता था? का जब भी खिदमत करता था ना, खाना खिलाता था, तो मां बाप दुआ देते थे, या अल्लाह हमारे बच्चे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे, है? नबी का पड़ोसी बना देती है दुआ। और हजरत मूसा ने कहा, बेटा तेरे मां बाप की दुआ कबूल हो गई है, तू ही जन्नत में मेरा पड़ोसी है। अरे वो दुआएं तुम्हारे पास हैं, यकीन करो चले गए जिनके मां बाप, उनसे पूछो किससे करवाएं दुआएं, किसके पास जाएं और उनके कदमों में सर रख के कहें कि परेशान हूं, और वो एक बार कह देते थे, बेटा घबराना नहीं है, खैर हो जाएगी। हमें एक आसरा होता है कि वालिद है सर पे, आसरा होता है कि मां है पीछे, परेशान हूं तो वो भी परेशान हो जाती थी, हम बीमार होते थे नींद उसे नहीं आती थी, तकलीफ में हम होते रातें वो जागती थी, घर में सब सो जाते थे, हम घर में ना आए मां जब तक जागती थी, जिंदगी के कई मोड़ आए जब सब कुछ चला गया, मगर वालिद ने कहा घबराना नहीं, मैं हूं ना, हमेशा हौसला दिया, हिम्मत दी, आज नहीं है मां बाप, जिसके नहीं है उससे पूछो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, कितना ही माल क्यों ना आ जाए, कितनी ही दुनिया में इज्जत क्यों ना हो जाए, मां बाप की कमी पूरी नहीं होती, ये वो हैं जिनके बगैर जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरे बच्चों,
मेरे भाइयों, जिनके मां बाप हैं, खूब खिदमत करो। बाद में याद आता है, मैं और वक्त गुजारता, मैं और खिदमत करता, मैं और दुआएं लेता। खुदा की कसम, ये बहुत बड़ी नेमत है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।